ये अर्थ का युग है और अर्थ के युग में हर व्यक्ति केवल धन के पीछे भागदौड़ करता हुआ दिखाई देता है। तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने संसाधनों से धन की उपलब्धि तो कर लेते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने धन को जनसेवा, समाज सेवा या धार्मिक कार्य में नहीं लगाया, तो ऐसे लोगों की पहचान भी समाज में नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धनोपार्जन के साथ साथ समाज सेवा को अपना एक उद्देश्य मान करके चलते हैं। ऐसे लोगों को समाज सम्मान ही नहीं देता, बल्कि एक मसीहा के रूप में देखता है। अगर हम समाज सेवी बबलेश यादव की बात करें, तो उन्होंने हालांकि पैसा उन्होंने कमाया है, अपने संसाधनों से, अपनी मेहनत से जो पैसा कमाया है, उस पैसे में से कुछ हिस्सेदारी वो समाज सेवा में भी लगाते हैं। बबलेश यादव हमारे साथ हैं, हम उनकी जनसेवा और समाज सेवा के बारे में बातचीत करेंगे। बबलेश जी, हेक्स न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, जो भी जनसेवा कर रहे हैं, जी, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिली? समाज सेवा, जैसे कि मैंने पहले, कुछ टाइम पहले मैं बाहर रहता था, तो मैं गांव में आया, तो मैंने गरीबों की हालात देखी, गरीबों का हिसाब देखा। तो कोई जो प्रधान होने लायक है उन्हें प्रधान बना दिया, नहीं होने लायक है उन्हें जनता ने चुन दिया। जनता को परेशान किए जा रहे हैं, किसी के क्वार्टर आए वो प्रधानों ने खत्म कर दिया पैसा, किसी के बैंक से पैसे निकाल लिए, किसी की ग्राम समाज की जगह पड़ी है, प्रधान चाह रहा है उसे ग्राम समाज जमीन मिल रही है, नहीं चाह रहा उसे नहीं मिल रही। किसी के लिए तो मकान रहने के लिए अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, सब कुछ है, तो झोंपड़ी पट्टे वाले हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनकी परेशानी के लिए मैंने बहुत सहयोग किया। अपने ग्राम पंचायत चल रही में मैंने एक लड़की की शादी भी की, जो मृत प्रमाण पत्र के जो पैसे मिलते हैं 20,000 रुपये, उस प्रधान ने नहीं दिए, और जो उसकी लड़की विद्याधन का जो मिलता है ना, कन्यादान के उपयोग में पैसे मिलते हैं, वो भी नहीं दिए। फिर मैंने उस लड़की की शादी की पूरी, दो तीन और लोग और थे। अब एक मैटर और है, ये कोंडरा पंचायत का मैटर है। यहाँ पे एक इमाम हुसैन नाम के व्यक्ति हैं, उनके साथ घोर कलयुग अन्याय किया जा रहा है। ऐसा किया जा रहा है उनके साथ में कि आप सोच नहीं सकते। उन्हें 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले, उन्होंने एक प्रधान जी ने जगह दी थी यहाँ रहने के लिए, ये आप यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद में काफी टाइम बाद में एक स्कूल बना उनके बराबर में। अब उन्हें जो प्रधान अपोजिट उनका प्रधान हो गया, तो उन्हें रोज परेशान कर रहा है, कभी SDM साहब को बुला देता है, कभी किसी को बुला देता है, कभी तहसीलदार साहब को बुला देता है। तो ऐसे लोगों को मेरे जितने मैंने देखा है, तो ऐसे ही बहुत लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रशासन शासन कुछ नहीं कर रहा है। जो मदद मुझसे बनती है वो मैं करता हूँ और करता रहूंगा। भगवान मुझे इस लायक बनाए रखे कि मैं उनकी जीवन भर मदद करता। अच्छा, विशेष रूप से आप जो है गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं, जैसा कि क्षेत्र के लोग भी बताते हैं, तो जो गरीबों की आप सेवा करते हैं, तो उनका कोई पैमाना होता है कि जो व्यक्ति आपके पास आ गया उसी की सेवा करते हैं? मेरे पास जो व्यक्ति आएगा मैं उसकी हमेशा इज्जत करता हूँ, उसका जो काम होता है उसे पूछता हूँ, न्याय काम है, अन्याय काम है, गलत है, सही है। अगर गलत सही का डिसीजन मुझे पता लगता है कि हाँ ये गलत सही का डिसीजन पता लग गया, ये सही काम है और ये होना चाहिए, तो मैं उसका साथ सहयोग देता हूँ, और जो मेरे से जो मदद बनती है मैं उसकी मदद भी। गरीबों की हेल्प करते करते आप खुद अपने ऊपर मुकदमे आपके आपके खिलाफ लिखे जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको क्या लाभ है? गरीबों की मदद करने से क्या लाभ है जब आप खुद उसमें फंस रहे हो? मुझे लाभ और उसका कोई मुझे उससे महत्व नहीं। मुझे यह है कि मैं, मेरे पे अगर मुकदमा भी लग रहे हैं तो गरीबों के पीछे लग रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी उस स्थिति हूँ ना। मेरे पे मुकदमा वो लोग लगाएंगे तो मैं उन लोग गरीबों की सहायता नहीं करूंगा, ना मैं उनकी मदद करूंगा, पर उनकी वो भूल है। मैं हमेशा गरीबों की सहायता करूंगा और करता रहा हूँ, और ये मुकदमा लगाए मेरे पे 50 मुकदमे लग जाए, पर गरीबों की सहायता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अच्छा बबलेश जी, अभी गर्मी का सीजन है, गर्मी के मौसम में बताते हैं एक कहावत भी है कि जल दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, विशेष रूप से गर्मी के मौसम में, गर्मी का मौसम है, तो इस समय आपने किसी स्थान पर या तो हैंडपंप लगवाए हो गरीबों के लिए, या उनका रिबोर कराया हो, या कहीं प्याऊ लगवाई हो, तो ऐसी कहीं स्थिति है जिससे गरीबों को आसानी से पानी सुलभ हो? हाँ, मैंने मेरे गांव के पास एक बाबा का दरगाह है, वहाँ मैंने एक नल लगवाया पानी पीने के लिए। वहाँ क्षेत्र के लोग काफी, 3-4 गाँव पड़ते हैं,
क्षेत्र के लोग आते हैं, पानी वानी पीते हैं, दरगाह बनवाया वहां पे, दरगाह पे नलबल लगवाया, सब लोग पानी पी रहे हैं। और जो भी व्यवस्था, जो भी नल वल खराब हो जाते हैं, लोग मेरे पास आते हैं, सब नल खराब है, मैं ग्राम पंचायत प्रधान नहीं हूँ, बट मुझसे जो भी पानी के लिए सहयोग के लिए जिससे जो जो भी मैं सहयोग कर सकता हूँ, ग्राम पंचायत भागवत है, देवी जागरण है, कोई भी सहयोग हो सकता है एवरीबडी, मैं हर सहयोग में उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। और मैंने हमेशा किसी भी सहयोग में कभी भी किसी का सहारा लेना नहीं चाहा। मेरे से जो बना मैंने उनके उसके साथ किया, जो मेरे से नहीं बना वो मैं नहीं देता। अच्छा, जब ये आप जन सेवा करते हो, समाज सेवा करते हो, तो इसमें निश्चित रूप से धन भी खर्च होता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जब धन खर्च होता है तो आपके परिवार का इस जन सेवा समाज सेवा की को लेकर के किस प्रकार का समर्थन आपको मिलता है? मेरे परिवार में मेरे फादर तो है नहीं, मेरी मदर है, वो इन चीजों पर ज्यादा वो नहीं करती और ना वो मेरे बीच में कोई किसी बात में इंटरफेयर करती हैं, और उन्हें भी खुशी मिलती है मैं अगर अच्छा करता हूँ, उन्हें खुशी मिलती है। बस वो इसी चीज से डरती हैं मुझसे कि मेरा बेटा यहाँ अकेला रहता है, कोई उसके लिए कोई कुछ कर ना दे, कोई बात ना हो जाए, और ये मुकदमे लग गए तो मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा और बहुत कहा कि तू इन गरीबों के चक्कर में तेरे नाम मुकदमे लग गए, तू जेल चला जाएगा कल, यहाँ हम लोग क्या करेंगे। और उन्होंने पहले से स्थिति बहुत खराब देखी, मेरी माँ ने खराब देखी है, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे तो हमारी भी स्थिति ऐसे डाउन थी। तो वो इसी स्थिति को भावने के बाद में वो ये कहती है कि बेटा ऐसा मत कर जो कि लोग तेरे दुश्मन बन जाए, कल तेरे साथ कोई अगर वारदात हो जाती है तो हम क्या करेंगे। तो वो इसी स्थिति में वो कहती है, वैसे तो मैं समाज सेवा करता हूँ या कुछ करता हूँ तो उन्हें भी खुशी मिलती है जो मैं करता हूँ। ये थे समाज सेवी बबलेश यादव, जिनसे हमने उनकी समाज सेवा को लेकर के एक लंबी चर्चा की। उन्होंने बताया कि समाज सेवा करना उन्होंने बचपन से ही शुरू किया था, इसकी प्रेरणा उन्हें अपने परिवार से मिली, उनके परिवार के संस्कार उन्हें कुछ ऐसे मिले कि उन संस्कारों के तहत वो जनसेवा और समाज सेवा करने में आगे आए और इससे उन्हें काफ़ी संतुष्टि भी मिलती है। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जनसेवा करते करते कुछ ऐसी स्थितियां भी बनी कि कुछ मुकदमे भी उनके खिलाफ लिखाए गए, कुछ जो दबंग लोग थे उनसे जब उन्होंने गरीबों का हक मांगा तो उन्होंने उनके खिलाफ कुछ मुकदमे भी लिखाए। उन्होंने उनका साफ कहना है कि चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे किसी प्रकार का सामाजिक समाज के हित में कार्यक्रम हो, तो उसमें वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं। विशेष रूप से गरीब की मदद करने में उन्हें बड़े आनंद की अनुभूति होती है। अब तक वो एक दो नहीं, कई गरीब लड़कियों की शादी भी कर चुके हैं, कई गरीब लड़कियों की शादियों में वो मदद करते हैं। और विशेष रूप से इस समय गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में उन्होंने कुछ स्थानों पर हैंडपंप लगवाने का भी काम किया है। और ये सारा जो कुछ भी करते हैं वो किसी संस्था के माध्यम से नहीं करते, किसी ग्रुप के माध्यम से नहीं करते, किसी दल के माध्यम से नहीं करते, उनके खुद के जो संसाधन हैं उन्हीं से वो गरीबों की हेल्प करते रहते हैं। उनका ये भी दावा है कि उनका परिवार छोटा परिवार है, लेकिन जब वो समाज सेवा करते हैं तो उनके परिवार को भी काफ़ी खुशी मिलती है, इससे उनको भारी प्रोत्साहन मिलता है। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ राम रावल, हैक्स न्यूज़, फिरोज।